हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ITC स्टडीज में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। तो जब देखिए दोस्तों, ये मेरा ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन ठीक है ना। इसमें देखिए दोस्तों, इसका ये मेरा टॉप हो गया ठीक है ना, ये टॉप हो गया। टॉप को हम प्लान भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिख चुके हैं टॉप को प्लान भी कहते हैं। फिर ये जो देखिए दोस्तों, ये मेरा जब टॉप होगा तो ये भी ना मेरा टॉप होगा। ये फेस भी, ये फेस और ये फेस मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, टॉप हो जाएगा। आप फ्रंट की बात करें दोस्तों, फ्रंट मेरा ये होगा। जब यहाँ पर से आप देखिएगा इस पिक्चर को इस तरह से, तो ये फेस दिखेगा और ये फेस दिखेगा, दोनों फेस दिखेगा ठीक है ना। अब साइड का बात करें दोस्तों, ये मेरा साइड हो गया और ये भी साइड हो जाएगा। अब इसका देखिए दोस्तों, इसका डिस्टेंस कितना, देखिए यहाँ से दूरी कितना है दोस्तों, 60। फिर उसका ऊपर भी 60, इधर भी 60 है ठीक है ना। इसका इस दोनों जो मोटाई है दोस्तों, इसका कितना है 20। तो उसी तरह हमको आज करना है दोस्तों कि किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। तो सबसे पहले आप एक ड्राइंग शीट पे अपने एक बेस लाइन खींच लेना है ठीक है ना। इस तरह से सेट स्क्वायर लेके एक बेस लाइन खींच लेना है, बेस लाइन खींच के और इस वाला सेट स्क्वायर से लेना है कितना दोस्तों, 60। 60 था ना, तो हम 60 लेंगे। चलिए हम 60 ले लेते हैं। फिर इसको इस तरह से करके और बेस लाइन दोस्तों, बेस लाइन वाला जो जो है एकदम सपोर्टिंग में एकदम उसको रखेगा चाप के, ताकि हिले ना ठीक है ना। अब देखिए इधर से हम 60 ले लिए। अब 20 था ना, तो 20 तो हमको लेना पड़ेगा ना, 20 इसका मोटाई था तो 20 तो देना पड़ेगा। देखिए इस तरह से सेट स्क्वायर लगाना है ठीक है ना। इस तरह से इसको बेस लाइन पर रख के और 20-20 ले लेना है। चलिए मेरा 20 इधर हो गया, ये मेरा ज़्यादा होगा काहे कि वाला 60 होगा ना। फिर इधर से कितना होगा 20, इधर भी होगा 20। तो इस तरह से 20 ले लेना है। और इधर जब हो गया दोस्तों, तब क्या करना है इसको, ये तो मेरा 40 होगा ना, इधर देखिए 40, इसी तरह सेम इसी तरह से करना है। चलिए मेरा 40 कहीं यहाँ पर आएगा। 20 लाइन को तुम चाप को करना है, उसका 40 मेरा इधर कहीं पे आएगा ठीक है ना। चलिए 40 मेरा यहाँ पे कहीं पे आया। फिर इसको क्या करना है, इस तरह से पलट देना है। उसके बाद यहाँ पे रख के और देखिए इस दोनों को मिला देना है। ये दोनों मिल गया ना मेरा। इसको बेसना पे रख के फिर एक खींचना है इधर। चलिए हम खींच लेते हैं, एक ऊपर भी होगा ना। देखिए इस बिंदु से भी 40 लेना है हमको, 40 ले लिया। अब इधर से भी 40 लेना पड़ेगा हमको। जब उधर ऊपर लिया, देखिए ये साइड लिए हैं दोस्तों, तो भी ना मेरा 40 होगा। चलिए ये भी मेरा 40 होगा कहीं। और फिर 20-20 पे काट देना है। देखिए दोस्तों 20-20 है ना, यहाँ 20 होगा फिर इधर 20। तो हमको सेम इसी तरह से खींच लेना है। उसके बाद क्या करना है, सेट स्क्वायर को बेस लाइन पे रख के उसके बाद इसको मिला देना है। देखिए इससे इसको मिला देना है, इसको मिलाएंगे, ये मिल गया ना ठीक है ना। उसके उसके बाद क्या करना है दोस्तों, इस तरह से मिल गया। उसके बाद फिर यहाँ से खींचना है हमको ऊपर, ऊपर की तरफ खींचना है ठीक है ना। इस तरह से हम खींच लिए दोस्तों। फिर एक यहाँ पे से भी खींचना पड़ेगा, बता रहे हैं। उसके बाद इसको मेजर करना अपना पड़ेगा कि कितना कितना ठीक है। इधर हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पे से होगा, इस तरह से हो गया। एक मिनट, चलिए दोस्तों इस तरह से कर लिया। उसके बाद हमको मेजर करना है कि कितना है ठीक है ना। ये वाला देखिए दोस्तों, ये वाला 60 हो गया ना, ये मेरा 60 है और ये देखिए 40 है। तो दोस्तों ये भी ना 40 होगा। तो देखिए हम यहाँ पर से पहले मेजर कर लेते हैं। जैसे देखिए आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर से नाप लेना ठीक है। यहाँ पर से नाप लेंगे तो मेरा देखिए यहाँ पे आ गया ठीक है, दिख रहा है ना 60। और फिर इधर देखिए 40, 40 लेना है। तो फिर यहाँ पे हमको कर दिए ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसको फिर बेस लाइन पर रखना है। बेस लाइन पर रख के और इस तरह से लीची वाला दोस्तों, बेस लाइन हिलना नहीं चाहिए, अगर हिल गया तो फिर गलत हो जाएगा। फिर इसको क्या करना है, इसे मिला देना है ठीक है ना। इस तरह से मिला दिया, देखिए हो गया। और उसके बाद क्या करना है दोस्तों, इस तरह से मिल गया। फिर हमको यहाँ पे से लेना पड़ेगा 20। देखिए
इस तरह से 20 लेना है, ऊपर से स्क्वायर चल गया मेरा 20। देखिए दोस्तों यहाँ पर से लेंगे 20 मेरा, तो 20 इधर आ गया, फिर 20 तो इधर इधर से भी ना लेना पड़ेगा दोस्तों, 20 इधर से भी लेना पड़ेगा। सेट स्क्वायर में हिल जा रहा है दोस्तों बेस लाइन, तो बेस लाइन हिलना नहीं चाहिए। चलिए फिर 20 इधर से ले लेते हैं, माप लेते हैं दोस्तों 20 है कि नहीं मेरा। आपको भी सेम इसी तरह से करना है, इसलिए मेरा 20 यहाँ पे आ गया। ठीक है आपका 20 इधर, फिर देखिए मेरा इधर 20 हो गया इधर यहाँ पे। अब उसको क्या, इसको बात क्या करना दोस्तों, फिर इसको पकड़ के सेम इसी तरह से करना है जैसे इस तरह से किए थे। इस तरह सेट स्क्वायर लगाना है, देखिए इस तरह सेट स्क्वायर लगा के फिर इसको इससे मिला देना है, मिल गया ना, इस तरह से मिल गया दोस्तों। ये वाला लाइन मेरा गलती हो गया है, ये होगा नहीं, ये वाला लाइन नहीं होगा मेरा। उसके बाद क्या करना है, 20 लिए थे अब 20 ऊपर से भी ना लेना पड़ेगा, तो 20 20 तो कटिंग करना पड़ेगा ना, जिस तरह से इसमें दिया हुआ है 20 20, तो 20 मेरा यहाँ पे आ गया, 20 इधर आ गया। उसके बाद फिर 20 लाइन पर रखना है इसको। चलिए हम माप लेते हैं, चलिए दोस्तों इस तरह से कर दिए हैं, इस तरह से बन गया। उसके बाद क्या करना है, देखिए इस वाला है ना 20 इधर और 20 इधर, इसको हम ऐसे मिला ले रहे हैं इस बिंदु से इस बिंदु तक मिला दिए। ठीक है अब फिर तो ये भी ना मिलाना पड़ेगा मेरा, इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाना है, तो चलिए मिला लिए हो गया। जो आगे में थोड़ा सा ज़्यादा निकला उसको रेज कर देते हैं। ठीक है दोस्तों इस तरह से देखिए मेरा बन गया ना, इस तरह से देखिए दिख रहा है ना दोस्तों। अब इसको क्या करना है दोस्तों, जैसे जैसे हम तो स्केच किए दोस्तों की पता लगे कि दोस्तों साइड फ्रंट टॉप कौन है, इस तरह से बन गया। अब इसका दोस्तों जैसे दिया हो, इसका मान दिया हो तो हमको देना पड़ेगा ना, तो वो हम दे रहे हैं। इसमें आपको भी उसी तरह डायमेंसिंग कर देना, ठीक है दोस्तों आपको इसी तरह डायमेंसिंग कर देना। आपको डायमेंसिंग में कुछ थोड़ी देखे दोस्तों, जितना जितना लिए हैं उस तरह से डायमेंसिंग कर देना है। और जितना जितना देखिए यहाँ से 60 था मेरा, तो यहाँ से 60 हो गया ना, देखिए ये वाला 60 था मेरा, 20 इधर है ना दोस्तों, ये 20 है, फिर इधर 40 40 40, तो इसी तरह से हम दोस्तों इसमें ले चुके हैं ना। इसी तरह से आपको भी सेम इस तरह से ले लेना है दोस्तों। ये मेरा टॉप हो गया, ठीक है ना, ये मेरा टॉप, ये दोस्तों क्या हो गया मेरा, ये दोस्तों साइड, ठीक है, ये मेरा फ्रंट। दोस्तों आपको सेम इसी तरह से कर देना है, ठीक है ना। अब इसका दोस्तों पिछले वीडियो में तो हम पूरे बता चुके हैं दोस्तों किस तरह से इसका टॉप प्लान फ्रंट किस तरह से निकाला जाता है, उसका सिंबल बता दीजिए दोस्तों। अगर वो मेरा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब मेरा चैनल को जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें दोस्तों तो आपके पास नोटिफिकेशन जा रहा, सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरा वीडियो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू जो अपना कीमती समय मुझे दिया, थैंक यू सो मच।